अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसन नॉलेजी फॉर टेक। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो यार आज आपका भाई आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लेवल का पीसी लेकर आया है और ये बेसिकली वीडियो रेंडरिंग भी करेगा, आपके एडिटिंग वगैरह को भी सपोर्ट करेगा और गेमिंग को भी अच्छा सपोर्ट करेगा। तो बाकी तो आपको पता है कि हम लोग लाइव परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं जहाँ से हमें हर चीज़ का पता चल जाता है। तो ये पीसी आप एडिटिंग के लिए भी ले सकते हो अगर आपकी रेंज कम है, तो गेमिंग के लिए तो आप ले ही सकते हो। इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कितनी रैम है, कितनी हार्ड है और आप मज़ीद इसके अंदर क्या चीज़ लगा सकते हो, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार पीसी जो है वो आपके भाई ने तैयार कर लिया हुआ है, उसको ऑन भी कर दिया हुआ है। बस जो जो चीज़ें उसमें लगी हुई हैं वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा भाई क्या क्या लगा हुआ है। बाकी पीसी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, यार ये वाला पीसी है डेल का और यहाँ पर सप्लाई भी आप चेक कर लो कितने वॉट की लगी हुई है, आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और भाई सप्लाई ढूंढते हुए मुझे हमेशा मसला हो जाता है, तो यहाँ पर आप पॉज करके देख लेना सप्लाई कितनी है। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग टेस्ट करेंगे तो हमें समझ आएगी। तो कैमरे को मैं जल्दी से सामने शिफ्ट कर लेता हूं और फिर चलते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। तो यार बेसिक ये कस्टमर का पीसी है और जो जो कस्टमर को कंपोनेंट्स मैंने बताए थे उन्होंने ओके किए तो मैंने लगाए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज की तरफ। मैं आपको प्रॉपर्टीज में चल के दिखा देता हूँ। आप यहाँ चेक कर लो, ये i5 6th जनरेशन है, 3.30 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 16 GB DDR4 की रैम इसके अंदर लगी हुई है। अब बात कर लें कार्ड के बारे में, तो यार कार्ड आप यहां पर चेक कर लो, यहां पर क्वाड्रो का M2000 कार्ड है, DDR5 4GB 128 bit के अंदर ये आता है। तो यार गेम जो हम लोग इसके ऊपर सारी ट्राई करके देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी पहली गेम की तरफ जो कि हम हर दफा चेक करते हैं, वो है GTA 5। मैं गेम को जल्दी से ऑन कर ले तो गेम ऑन हो जाए, फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो यार गेम हमारी ऑन हो गई है और ये अपने फुल ग्राफिक्स के साथ तकरीबन 30 FPS आपको देगा। मैं चेक कर लेता हूँ, और बल्कि नहीं इसको ज़्यादा देने चाहिए, अभी LED का थोड़ा सा है। अभी हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे अभी फुल ग्राफिक्स के ऊपर और फिर FPS चेक करेंगे कितने आ रहे हैं। हाँ भाई, तो आप इसको अपने फुल ग्राफिक्स के ऊपर रख के 60 FPS के ऊपर खेल सकते हो, और अगर आप इसको कम करोगे तो आप व्यूसिंग वगैरह ऑफ करके अच्छे FPS पे गेम खेल सकते हो 100+ पे। लेकिन ये जेन्युइन FPS आते हैं इसलिए ज्यादा जबरदस्त है। ओह भाई ने आपकी गाड़ी जो मोड़ी है वो देखी है आपने? ये देखो, इसका कुत्ता मैं उड़ा दूंगा बस, बाकी मुझे कुछ नहीं था। तो यार पूरे और प्रॉपर 60 FPS है, ना एक कम एक ना एक ज्यादा। और देखो इतनी बेदर्दी से ठुका है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो यार गेम आप लोग के सामने है, गेम काफी अच्छी चल रही है, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। तो यार अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है Assassin's Creed Odyssey। मैं गेम को ऑन कर लेता हूँ, गेम ऑन हो जाए फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो यार गेम हमारी ऑन हो गई है और ये फुल ग्राफिक्स के ऊपर चल रही है, यानी कि ग्राफिक्स हाई है। अगर मैं इनको कम करूँ तो मुझे पता है कि कम करने की वजह से ज़्यादा आपके FPS आ सकते हैं। तो आप लोग चेक करो यार कि FPS बहुत अच्छे आ रहे हैं, और अभी क्योंकि मैंने इसको फुल ग्राफिक्स के ऊपर खेलूँ, अगर मैं ग्राफिक्स को थोड़ा बहुत कम करूं तो आपको अच्छी गेम प्ले मिल सकता है। तो आप ये चेक कर लो, ग्राफिक्स वगैरह सारा कुछ हाई के ऊपर है, तो अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो आपकी गेम जो है वो और अच्छी चलेगी। गेम आप लोगों के सामने है, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं यार आपकी फेवरेट गेम की तरफ और मेरी अगली गेम की तरफ जो कि Forza Horizon 5। मैं गेम को ऑन कर लेता हूँ, गेम ऑन हो जाए फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ।
तो यार गेम जो है वो हमारी ऑन हो गई है और गाड़ी भी हमारी ज़मीन पे जा रही है, बाकी हम चेक करते हैं लैंड होके। और अगर FPS की बात करूँ तो FPS अच्छे ही आएंगे, क्योंकि अभी तक सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही है, मैंने चेंज नहीं की हुई सेटिंग। और ओके जी, अच्छा अभी ये बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम गाड़ी को चलाएंगे आगे जाएंगे हमारे FPS भी बढ़ेंगे। कल भी मैं यहीं लगे रहे और लग। चेक कर लो आपका भाई कितने लेवल का ड्राइवर है। ओए तो झूले वाली गाड़ी हो गई है ये देखो, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, ये तो वाली गाड़ी होगी। वापस कैसे होगी, आर से रिवाइंड होती है। हाँ रिवाइंड हो रही है, कितनी देर रिवाइंड होने के बाद भी इधर ही फंसी हुई। उतर 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 उतर, नहीं यार रिवाइंड होके भी गाड़ी उधर ही फंसी है। FPS अब चेक कर लो। अच्छा उतरने लगी गाड़ी, ठीक है ओके ओके ठीक हो गए। और हम करेंगे एंटर टू रिज्यूम। वही जब नसीब में हो ठुकना। यार 40 से ऊपर FPS आ रहे हैं, 40 प्लस FPS आ रहे हैं। गेम जो है वो आप लोगों के सामने चल रही है, गेम अच्छी चल रही है। इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है गॉड ऑफ वॉर। मैं चेक करना चाह रहा हूँ उस पर चलेगी या नहीं। तो गेम को मैं ऑन कर ले, तो गेम ऑन हो जाए फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। यार गेम हमारी ऑन होगी और कल से हम इधर फंसे हुए हैं, लेकिन अगर मैं आपको सच्ची सच्ची एक बार बताऊँ तो यार गेम बहुत अच्छी चल रही है और इस कार्ड के ऊपर ही गेम चलना मुझे नहीं पता था कि चलेगी और अच्छी चलेगी। तो गेम जब वो अच्छी चल रही है, बल्कि कोई लैग और कोई हैंग फील नहीं हो रहा, बल्कि मैं ही कल का यहाँ फंसा हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं जी, होल्ड एंड थ्रो एंड प्रेस आर टू रिकॉल कंट्रोल। समझ नहीं ना आ रही कि ना मारना ये मारना ना। अच्छा 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 ये अब मुझे भी आगे जाना है ना, अब उसको उठाऊँगा ये खुल जाएगा ये वो नीचे। हाँ जी देख लो फिर आपका भाई कितना बड़ा फनकार बंदा निकला। ओके जी तो हम आगे जा रहे हैं। और यार ये गेम मुझे बड़ी पसंद आती है, बड़ी लेवल की ये गेम है। ओके अब ये इधर मारेगा जी उस हिरन को। अच्छा ये मेरे वाले कर दिए। चलना ओके जी, तो हिरन हमने मार रही है। ओके अभी ये सीखेगा इसको जबा कर दो। तो यार गेम आप लोगों के सामने चल रही है, आप इजीली इसके ऊपर गॉड ऑफ वॉर भी खेल सकते हो। ये गेम बहुत अच्छी चल रही है, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। तो यार अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है अमेजिंग स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड। मैं गेम को ऑन कर लेता हूँ, गेम ऑन हो जाए फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो यार गेम हमारी ऑन हो गई है और भाई अभी इसके मैंने ग्राफिक्स जो है वो पूरे लोग हाई किए हुए हैं, हाई ग्राफिक्स के ऊपर आप चेक कर लो। ये 30 FPS जो है वो आपको 40 FPS दे रही है। वैसे इसके लिए मुझे एक अच्छा सा जॉयस्टिक लेना पड़ेगा सारी गेम चेक करने के लिए,
कीबोर्ड और माउस पे मजा नहीं करता हूँ। तो यार ये भी गेम अच्छी चल रही है आप लोग के सामने, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। तो यार अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है टेकन 7। मैं गेम को ऑन कर ले तो गेम ऑन हो जाए, फिर आप लोगों को चेक कर लेता हूँ। तो यार गेम हमारी ऑन होगी और आपके भाई ने पॉल ले ली है और अल्ट्रा हार्ड के ऊपर मार सकता है किंग। अब देखते हैं यहाँ किंग किंग या पॉल किंग, देखते हैं क्या होता है। ओके जी, तो अब आ गया हमारा बहुत ही हार्ड किस्म का मुकाबला अल्ट्रा हार्ड के ऊपर। पहला राउंड जो है वो हम लोग जीत चुके हैं, किंग कुछ भी नहीं कर पाया। मुंह तोड़ने के चक्करों में देखा। चलो जी, ये चक्का चक्का खेल रहा है। यार लास्ट से उसने हमें मार दिया। बहुत गुस्से में है किंग और मुझे नहीं लगता ये मुझे छोड़ने वाला है। ओए हो हो ओए नहीं आ गया और पॉले को किंग ने बहुत इजीली हरा दिया और गेम हम हार चुके हैं। गेम अच्छी चल रही है, 60 FPS पूरे आ रहे हैं, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ जो के है भाई WWE 2K24। मैं गेम को ऑन कर लेता हूँ, गेम ऑन हो जाए फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। गेम हमारी ऑन हो गई और ये शुरू शुरू में थोड़ी सी यहाँ पर स्लो चलती है। वो देखो उसको देखो, ये थोड़ी सी स्लो चलेगी। चलना नीचे। तो यार गेम आप लोग के सामने चल रही है, ये थोड़ी बहुत स्लो चलती है एनवीडिया के कार्ड्स के ऊपर, पर थोड़ी सी सेटिंग करें ठीक हो जाती है। इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं यार हम अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है पबजी और फ्री फायर। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि ज़रा सारे गेम्स ला सकूँ लेकिन वीडियो की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो अब चलते हैं पबजी की तरफ, मैं गेम को ऑन कर लेता हूँ मेन स्क्रीन में जाके, फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। अब आप लोगों के सामने है, आज भी गेम नहीं चली कि मैं कोई तीसरी चौथी दफ़ा चला चुका हूँ, दो दो तीन तीन मिनट जो है मैंने चला के देखी है लेकिन गेम स्टिल ये प्रॉब्लम कर रही, चल नहीं रही। यहाँ तो कोई इसके सलूशन है तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या करना चाहिए। बाकी अब हम इसको कर लेते हैं बंद, चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि फ्री फायर। में गेम को ऑन कर ले तो गेम ऑन हो जाए, फिर आप लोग को मेन स्क्रीन पे जाकर दिखाता हूँ। तो यार गेम जो है वो हमारी ऑन हो गई है और अभी तो इसके FPS बढ़ेंगे, अभी आप लोग के सामने है। आगे अब हम लोग लैंड करते हैं फिर इसके FPS चेक करेंगे। यार आपके बाइक के ऊपर किसी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा। उसे बंदा देखना पड़ेगा किधर है।
किया तो छत पे एक बंदा हमने लोगों ने ठोक दिया है, छुप के मार रहा था। जब आपका भाई ऊपर गया ना फिर वो खौफ ज़्यादा हो गया था। और यार तकरीबन 70-80 FPS आ रहे हैं, लेकिन गेम काफ़ी अच्छी चल रही है। तो यार गेम आप लोगों के सामने है, गेम ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। मजीद मैं इसलिए नहीं टाइम ज़ाया करा कि थोड़ी थोड़ी गेम्स आपको सारी खेल के चेक करा रहा हूँ, उसको मैं कर लेता हूँ बंद। तो यार अगर मैं इस पीसी की अब बात कर लूँ तो इसमें आपको i5 6th generation 4GB M2000 कार्ड, 16GB रैम, 128 SSD, 500GB हार्ड देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोगों को इसकी प्राइस जेन में आ रही कि इसकी प्राइस में क्या रखने वाला हूँ, तो यार इसकी प्राइस आप लोगों को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 60,000 rupees। तो पीसी भी आपके पास हैवी जनरेशन में रहेगा, रैम भी ज़्यादा रहेगी और कार्ड भी आपके पास अच्छा हो रहेगा। अगर आप ये पीसी पाकिस्तान में किसी भी जगह डिलीवर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम के इनबॉक्स के अंदर आके आप ऑर्डर को बुक करवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।